हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हमारी फर्स्ट बुक प्रॉपर तरीके से खत्म हो गई है और आज हम सेकंड बुक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। और इसका दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। मतलब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग डेरिवेटिव का उल्टा काम करते हैं। क्या काम करते हैं बच्चों इसमें? डेरिवेटिव का उल्टा काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा एंटी डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव के अंदर मैं अगर आपको बता दूं, इसके अंदर हम जिस तरीके से डेरिवेटिव में पावर आगे एक कम करते थे, लेकिन इस बार हम इसका पावर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो यही सारी चीजें बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं। और इंटीग्रेशन के अंदर पहले आपको फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए। अगर फॉर्मूले का ज्ञान है तो आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन जो होता है, एंटी डेरिवेटिव जो होता है, वो दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रल वो होता है जिसके बारे में हमें ये पता नहीं होता कि इसकी इस अप्रोच की लिमिट कहां तक होगी, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है ये। और डेफिनेट ये है जिसके अंदर हमें इसकी अप्रोच पता होती है कि लिमिट कहां तक होगी, कहां से मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने तक जाएगा। तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में बांटा गया है। इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आंसर निकालने के बाद भी हम प्लस में एक सी ले लेते हैं, के ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जिसका नाम होता है आर्बिट्री टरी कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। और आर्बिट्री कांस्टेंट जो है बच्चों, वो ये है कि जरूर उस इनडेफिनेट के अंदर और भी आंसर आ सकता है, बस वो आंसर हम कुछ कारणों से, कुछ कांस्टेंट वैल्यू को पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हम प्लस में सी या प्लस में के ले लेते हैं, ताकि हम उस इनडेफिनेट वाले आंसर को कंप्लीट कर सकें। लेकिन कभी कभी आपको इनडेफिनेट के अंदर भी लिमिट दी गई होगी कि आप इस लिमिट को क्रिएट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, और डेफिनेट में तो आपको पहले से ही गिवन होगा, ठीक है, लिमिट, जबकि इसमें आपको लिमिट बनाने के लिए दी जाएगी कि इस तरीके से अगर है तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, तो फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ। फॉर्मूले लिखिएगा पहले, जैसे पहला फॉर्मूला x की पावर n डी एक्स, तो इसका क्या होगा? x की पावर n प्लस 1, यानी एक पावर अब बढ़ेगी और जितना ऊपर बढ़ाओगे उतना नीचे, और प्लस में क्या आएगा? c। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, अब जैसे 1 डी एक्स है, या 2 डी एक्स है, 3 डी एक्स है, 4 डी एक्स है, ए डी एक्स है, बी डी एक्स है, तो इसका आंसर होगा 1 है तो x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, ए है तो ax, बी है तो bx, और प्लस में c। इस तरह कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, अब बताओ कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स का। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स, यानी उल्टा चल रहा है बस अब। फोर्थ, हाँ भाई, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? कॉस एक्स का। लेकिन अगर खाली साइन एक्स हो तो क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहली कंडीशन दे के चल रहा हूं। ठीक है, फिफ्थ, हाँ जी, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? टेन का। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किसका देखना हमें? कॉस, हाँ भाई, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, अब आएगा सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स। ठीक है, अगला, ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? कॉसेक नहीं होता, माइनस होता है, तो माइनस यहां सिर्फ कर देंगे, माइनस का कॉट क्या होगा? माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। और वही अगर कॉसेक एक्स कॉट एक्स होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा क्या भाई? माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी।
माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है जी। अब वही होगा अगर वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर माइनस का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और मान लीजिए यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, समझ रहे हो? क्यों आ जाएगा? क्योंकि बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमें चीज यही दी होती है लेकिन कभी साइन के टर्म में आंसर निकालना होता है, कभी कॉस के टर्म में, तो ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर इस तरह माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो क्या बन जाएगा? कॉट इनवर्स। और मान लो यहाँ पे माइनस नहीं है और कॉट चाहिए तो हम क्या लेंगे? माइनस का कॉट। इस तरह वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स। और अगर बच्चों यही फॉर्मूला बन जाए वन अपॉन में एक्स अंडर रूट भाई भाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फिर क्या बन जाएगा? ये कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए अब ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स। अच्छा ठीक है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। ये सिर्फ वन अपॉन एक्स का है बच्चों, कहीं आप सोचो वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो लॉग एक्स स्क्वायर, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री लॉग थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सिर्फ ये वन अपॉन एक्स के लिए रूल है। अगला ए एक्स का इंटीग्रेशन, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या था? ए एक्स लॉग ए, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा? ए एक्स अपॉन में लॉग ए, वहां पे मल्टीपल में लॉग ए था, यहाँ पे अपॉन में प्लस सी, ठीक है। चलिए जल्दी से फॉर्मूले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको। 7.1 ऑलमोस्ट आज खत्म करा दूंगा, यानी पूरी ही खत्म करा दूंगा। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए शुरू करें बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो निकालिए 7.1 और शुरू करते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन टू एक्स डी एक्स, ये करना है। पहले सबसे पहले ये सुनो, साइन टू एक्स जो है वो किसका डेरिवेटिव होगा? जरूर ये सोचो पहले आप, पहले आप ये सोचो कि वो किसका डेरिवेटिव होगा। हाँ भाई, साइन टू एक्स सबसे पहली बात किसका डेरिवेटिव होगा? तो कॉस टू एक्स का होगा, तो भाई जरूर कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? माइनस का साइन टू एक्स, ठीक है, फिर टू एक्स का इंटू में टू, ठीक। तो जरूर भाई ये क्या रहा होगा? जरूर ये क्या रहा होगा? माइनस वहां गया होगा, अगर मैं इस माइनस को वहां भेज दूं, ठीक है, तो देखना क्या बनेगा भाई। माइनस कॉस टू एक्स
यानी यहाँ पे इधर आकर 2 cos 2x dx बराबर माइनस साइन 2x, मतलब अगर मैं सॉरी माइनस में भेज दिया, अगर मैं माइनस 2 cos 2x का डेरिवेटिव करूं तब जाके ये आएगा, ठीक। यानी बच्चों मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप देख रहे हो कि जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमेशा कोफिशियंट क्या आ रहा है, मल्टीपल में, कहाँ आ रहा है, मल्टीपल में। लेकिन बच्चों जब मैं डेरिवेटिव करने लग जाऊंगा तो यही कोफिशियंट या मल्टीपल की जगह कहां पर आने लग जाएगा, अपॉन में, कहां पर आने लग जाएगा, अपॉन में। तो यही चीज होता है बच्चों कि जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो कोफिशियंट को किसके साथ रखते हैं, मल्टीपल के साथ, लेकिन इंटीग्रेशन में जब हम लोग करते हैं तो जो कोफिशियंट होता है बच्चों वेरिएबल का वो कहां पर आता है, फ्रैक्शन में। दिख गया आपको यहां पर, ठीक है। तो देखिए साइन 2x इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x का cos 2x, लेकिन जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो कहां पर आ जाएगा, अपॉन में 2 प्लस सी। इस तरीके से करना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद करना, ये हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन e3x dx, तो बस e3x का तो e3x होगा, लेकिन भाई x x के x वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट कौन है, 3, तो जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा प्लस c। फोर्थ, फोर्थ क्या है, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स। हाँ जी, तो करो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने क्या बताया था भाई, पावर में वन ऐड करके अपॉन में ए वन प्लस सी। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ ये भाई, वेरिएबल कौन है एक्स और उसके साथ कोफिशियंट कौन है ए, तो साथ में ए भी आएगा, तो आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी 3 अपॉन 3 ए प्लस सी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे कह रहा है कि साइन 2x और माइनस 4e की पावर 3x dx, करें इंटीग्रेशन। हाँ भाई, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, ठीक है। हाँ, और साथ में जो कोफिशियंट होता है वो अपॉन में आएगा 4e3x, और जो कोफिशियंट है वो अपॉन में आएगा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, 4e3x प्लस 1 dx, करो इंटीग्रेशन। हाँ जी, 4 तो अपने जगह 4 रहेगा, e3x तो e3x रहेगा, और 3x का 3, अकेले 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कैसे होगा बच्चों इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन। हाँ जी, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अगर आप पहला फॉर्मूला देखोगे जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, अकेला 1 एक्स प्लस सी, तो आंसर क्या आया, एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है जी, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इंटीग्रेशन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भाई इसका इंटीग्रेशन, अब देखो ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट नहीं, तो क्या करेंगे, तब ये ऐसे का ऐसा रहेगा। अब यहां पे अगर देखोगे आप इस वाले क्वेश्चन में, एक सिंगल यूनिट के ऊपर पावर है इसलिए कोफिशिएंट को नीचे लेकर आया, लेकिन यहां पे ये पूरा एक यूनिट नहीं है, ये तीनों क्या है अपने में अलग अलग है, तो इसलिए इसके इंटीग्रेशन का कोफिशिएंट में नीचे, इसका कोफिशिएंट नीचे नहीं आएगा, ए अपनी जगह पर रहेगा, इसमें पावर एक ज्यादा, बी एक्स वन पावर वन वन प्लस वन सी, और अकेला है, तो मैंने क्या बताया था, वन है तो वन एक्स, टू है तो टू एक्स, ए है तो ए एक्स, सी है तो सी एक्स प्लस सी, और अब देखो यहां भी सी यहां भी सी, तो इसको सी डैश ले लेना, याद आएगा ए एक्स की क्यूब अपॉन में 3 बी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी एक्स प्लस सी डैश। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 2x की क्यूब प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, तो देखो ये भी अलग अलग यूनिट है, तो बात ही खत्म, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ई एक्स तो ई एक्स ही रहेगा प्लस सी, तो 3 और 1 4, 4 प्लस ई एक्स प्लस सी, अब समझ गए होगे कट गया 2। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स,
अब इसकी पावर डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको पहले सॉल्व कर लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये तो इससे कट गया, करो भाई सॉल्व। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स वन का स्क्वायर वन अंडर रूट, तो एक्स माइनस टू डी एक्स। तो आगे इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक्स का बनेगा एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताया मैंने लॉग एक्स, माइनस टू है तो वन का वन एक्स तो टू का टू एक्स, और प्लस में सी, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलो कैसे करें भाई, अब क्या करो, देखो ऊपर वाली टर्म ज्यादा है नीचे वाली टर्म कम है, बस कुछ नहीं करना, सेपरेट कर देना है एक्स स्क्वायर को, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे डी एक्स, जो कटे काटो, जो कटे काटो। बचा क्या, अकेला एक्स बचा, क्या पांच बचा, क्या फोर, भाई ये नीचे की पावर उठ के ऊपर जाएगी तो माइनस का टू हो जाएगा डी एक्स। कर दो इंटीग्रेशन, एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस फाइव, भाई एक है तो एक एक्स, दो है तो दो एक्स, पांच है तो पांच एक्स माइनस चार एक्स माइनस टू है, पावर तो भैया ऐड होएगी, प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स, दो में से एक गया माइनस एक, दो में से एक गया माइनस एक, प्लस सी। हाँ जी, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस फोर, एक्स की पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है, करो नोट करो ये सारे का सारा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो भाई, हम कोशिश करेंगे कि रोज एक एक्सरसाइज खत्म करें, ठीक है, इस चैप्टर से, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें कोर्स भी खत्म करना है और समझते हुए भी चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है डीएक्स कीजिए भाई, ये भी ऐसा ही है, सबको सेपरेट कर देंगे भाई। रूट एक्स का मतलब होता पावर वन बाय टू, रूट एक्स का मतलब होता है पावर वन बाय टू, रूट एक्स का मतलब पावर वन बाय टू। चलो अब ये सब ऊपर आएगा, एक्स क्यूब डॉट एक्स माइनस वन बाय टू प्लस थ्री एक्स डॉट, यानी इसकी पावर कुछ नहीं है तो वन माइनस वन बाय टू प्लस फोर एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, ठीक है डी एक्स। सॉल्व करो भाई, एक्स भाई क्यूब, भाई देखो थ्री में से आधा गया तो ढाई बचेगा, और ढाई क्या होता है बच्चों, पांच बटा दो, समझो ध्यान से भाई, बेस सेम पावर ऐड होगी, थ्री में से हाफ जाएगा तो कितना आएगा 2.5, और 2.5 क्या होता है 5/2 प्लस 3x, वन में से हाफ जाएगा हाफ 4, ये तो पहले से ही माइनस का हाफ है,
करो भाई सॉल्व करो। हाँ जी अब क्या करेंगे, पावर में वन ऐड करते चलेंगे, पावर में वन ऐड करते चलेंगे, पावर में वन ऐड करते चलेंगे। भाई 5/2 कितना होता है, ढाई, और वन ऐड कर देंगे, ढाई और एक कितना होगा भाई 3.5। 5/2 + 1 ऐड कर दो, 5 2/2, तो ये तो भाई 7/2 आ गया। इस तरह यहाँ भी 7/2, ठीक, प्लस 3x। 1/2 और 1 कितना होता है 1.5, यानी डेढ़, और डेढ़ क्या होता है 3/2, ये भी आ गया 3/2, 4, आधे में से एक गया आधा, और ये भी आधा, प्लस पलट दो सबको, 2x के बाद 7/2 7, हाँ भाई 3 × 2 = 6x, या 3 से 3 काट दो पलट जाएगा 2 ऊपर, एक्स के बाद 3/2, प्लस ऊपर चला गया 8x की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी ये है क्वेश्चन, x³ + x-1/(x-1) dx, क्या करना है, कुछ नहीं, पहले इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है। अरे भाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, 3 में से 2 पावर निकालोगे 1, और पूरी पावर निकालोगे 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 ले लो, तो x-1/(x-1) dx, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x²+1, लो जी x²+1, x-1 x-1 यही आएगा ना कॉमन, x-1 से x-1 कट गया, बच गया x²+1 dx, इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 ऐड करो, 1 ऐड करो, x+3, खत्म आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 1-x√x dx, हाँ जी 1-x, भाई अंडर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, सही बात है, अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करो x²/2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो पावर 1 पावर हाफ, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2 dx, कर दो इंटीग्रेशन, भाई 1/2 में 1 ऐड करेंगे, इसी तरह 3/2 में भी 1 ऐड करेंगे, प्लस सी, तो कितना आ गया x हाफ और 1 3/2, हाफ और 1 3/2, 3/2 होगा तो 2 पलट के ऊपर, माइनस x 3/2 और 1 5/2, 3/2 और 1 5/2, तो 5/2 में 2 पलट के ऊपर 5, यहाँ प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 15, तो रूट एक्स 3x² + 2x + 3 dx, मेरे हिसाब से बच्चों आपको खुद करना चाहिए, कैसे देखो भाई, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई पहले इससे करो, तो 2 और हाफ 5/2, भाई फिर इससे मल्टीप्लाई करो 1 और हाफ 3/2, फिर इससे मल्टीप्लाई करो 3 और हाफ, तो यानी कि x² 1/2, और मेरे हिसाब से अब इंटीग्रेशन आप बहुत प्यार से कर लोगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे हो जाएगा, 16 में करा रहा हूं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें है क्या, 2x-3cos x + ex, ठीक है, हाँ तो हो गया इंटीग्रेशन, बात खत्म। हाँ जी सारी पार्टी अलग अलग है, 2 भाई इसकी पावर 1 + 1 = 2 1/2, 3 cos का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, और कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो बात ही खत्म, ex का इंटीग्रेशन ex + c, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 17। क्वेश्चन नंबर 17 कर लोगे, 18 करा रहा हूं मैं, sec x + tan x, अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, sec × sec sec²x, और ये sec x tan x, बस बात खत्म, हो गया जी, sec²x का मतलब होता है भाई sec²x किसका इंटीग्रेशन, tan x का, और sec x tan x किसका, sec x का, प्लस सी आंसर 19। ये सब आपको बेसिक पार्ट करवाए जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, अब ये देखो sec²x / cosec²x, लगाओ भाई फॉर्मूला, भाई sec²x का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, tan x, और cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cot x, प्लस सी cot, हाँ भाई tan x माइनस ही cot x का रेसिप्रोकल, यानी कि cot x का उल्टा क्या होता है, tan x होता है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का tan²x + c आ गया आंसर। इसका 20th करा देता हूँ, ये देख लो 3 - sin x
अपॉन कॉस कर एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, एक बार कॉस कर एक्स इसके नीचे, एक बार कॉस कर एक्स इसके नीचे, ठीक है जी। भाई कॉस कर एक्स ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो भाई कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब है कि इसमें कितनी बार कॉस है, दो बार कॉस है, तो एक बार जब कॉस ऊपर जाएगा तो सेक एक्स बनेगा, और एक बार कॉस साइन के नीचे आएगा तो क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या बनेगा, टेन एक्स, बस बात खत्म। थ्री, भाई सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, टेन एक्स का होता है। भाई सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का होता है। आ गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये इंटीग्रेशन करना है, और आपको क्वेश्चन नंबर 21 सेल्फ करना है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 7.2 शुरू कराऊंगा, और वो भी इसी प्रकार आधे से ज़्यादा खत्म करवा दूंगा। बस आपको इसके बेसिक टर्म्स याद होने चाहिए, अगर आपको इसके बेसिक टर्म्स याद हैं तो आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमने ये 15-20 क्वेश्चन जो भी हैं कर लिए, अब इसकी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 7.2 शुरू करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।